दो चार बहनें मर चुकी हैं इसी तरह मेरी, इतनी प्यारी जो आप देख लेते डॉल डॉल जैसे, गुड़िया जैसी बहन, गुड़िया जैसी बहन थी मेरी, बस सिर्फ ये हालात मजबूरी। समाज में कई तरह के लोग होते हैं और आपकी एक तरफ आपका दर्द जो मैं सुना मेरे आंखों में आंसू आ गया, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका कई तरह की बातचीत करते हैं। आपसे बताएं मतलब ऐसा हालात था कि काश हम लड़के होते ना तो वो, काश हम लड़के होते तो सब हालात बदल देते अपने घर का। उसके बाद सब लोग मतलब कहने लगा शादी कर दो इसका घर। आपके बारे? हाँ मेरे। एक दर्द भरी कहानी है, एक दर्द भरी पीरा है और इस पीरे के बीच सपना की जिंदगी है। और इस पब्लिक मतलब जितने आती हैं सब लोग अच्छी हैं, बट कोई कोई उसमें बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर जाते हैं जो मतलब दिल पे लग जाता है, जैसे एकदम लगता है कि क्या, फिर सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो क्या बोले। उन लोगों को शायद उसी में खुशी मिलती होगी जिंदगी बितानी है। शादी वगैरह करके सेटल? शादी नहीं करना है, शादी हमें नहीं। सब झूठो बोल रहे हैं? नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना। झूठो बोलते हैं? अरे हम झूठ क्यों बोले। बहन भी इंस्पायर कर गई उसको, वही कहते नहीं हालात, बोन टीबी हो गया था, इलाज के लिए मतलब नहीं हो पा रहा था पैसा, पापा अलग बीमार मम्मी अलग, तो किसको किसको वो लोग देखेंगे, पता नहीं कैसे हम जी गए। कोई पब्लिक ऐसी आ जाती है कि मतलब कहती है कितना पैसा लोगी, हाँ तो हम कहते अगर हमको पैसा ही लेना है तो वहीं ना उतर जाए, क्या ज़रूरत है हम कमर हिलाए सबके सामने। ये भी लोग बोल देते? हाँ बोल देते, तो हम भी बोल देते हैं। इतना महंगा मोबाइल है, अब इससे बड़ी बात क्या हो? ये मोबाइल कितना का है? ये दाम पहले बताइए कितना का है। वो तो वो लोग जान ही रहे होंगे जो हमें आप बताइए ना, अपने जबान से बताइए कितना है इसका। 1,10,000। 1,10,000 जी। हाँ शायद अगर आज के डेट में आज अपने ही मेरे कहते हैं कि वो ये वही लड़की है जो मतलब हम 1 रुपया सब लोग चाचा वाचा भी देते थे तो वही, हाँ सब लोग वही लड़की है, सब लोग देखते हैं तो कहते हैं घर देखते हैं मेरा आते हैं। आज के रेट में मेरा घर अपना खुद का है, खुद हमने बनाया है सब कुछ इसी पैसे से डांस करके। अच्छा अच्छा। अगर आप अगर उस वक्त अगर शादी कर ली होती तो शायद ये सब चीज़ें तो नहीं कर पाती, कुछ ना बना पाते और शायद कुछ बना भी ना पाते और जिंदगी लचर पचर हो जाती। हाँ और मेरे मम्मी पापा भी शायद दुनिया में नहीं होते, आप जान रहे होंगे मतलब डांस जो लड़कियां भी कर ली स्टेज पे परफॉर्म कर ली तो उसके बाद फिर वो शादीशुदा जिंदगी मतलब बिताएंगी तो, लेकिन उसको रोज टॉर्चर करेगा, रोज बोलेगा। कौन टॉर्चर करेगा? पति उसका, बहुत जल्दी वो लोग शादी करा रहे थे। आपका? जी। तो हम वही डांस, अब क्या बताओ, बहुत जल्दी वो लोग शादी करा रहे थे तो वही डांस के लिए हम फिर आ गए। आपने नहीं किया? नहीं जी नहीं। यानी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, घर परिवार की जिम्मेदारी थी, आंखों के सामने 3 बहन गरीबी के कारण दुनिया को अलविदा कह गई और आपने सोचा कि अगर नहीं कमाना है तो मेरी भी। इतनी प्यारी प्यारी थी कि हम देख के हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में वैसी लड़की है ही नहीं। हाँ इतनी प्यारी। परिवार में कितने लोग हैं आपके परिवार में? परिवार में सब छोटे हैं, भाई है छोटा है। कितना भाई है? 2 भाई हैं। बहन? बहन भी इंस्पायर कर गई उसको, वही कहते नहीं हालात, बोन टीबी हो गया था, इलाज के लिए मतलब नहीं हो पा रहा था पैसा, पापा अलग बीमार मम्मी अलग, तो किसको किसको वो लोग देखेंगे, पता नहीं कैसे हम जी गए। 2-4 बहनें मर चुकी हैं इसी तरह मेरी, इतनी प्यारी जो आप देख लेते डॉल डॉल जैसे, गुड़िया जैसी बहन, गुड़िया जैसी बहन थी मेरी, बस सिर्फ ये हालात मजबूरी। आपसे बताएं मतलब ऐसा हालात था कि काश हम लड़के होते ना तो वो, काश हम लड़के होते तो सब हालात बदल देते अपने घर का।
उसके बाद सब लोग मतलब कहने लगा शादी कर दो, शादी कर दो इसका घर। आपके बारे? हाँ, मेरे मेरी दादी ओदी कहीं शादी कर दो, शादी कर दो, कब तक लड़की को रखोगे। तो वो जैसे बहुत जल्दी वो लोग शादी करा रहे थे आपका जी। तो हम वही डांस अब क्या बताओ, बहुत जल्दी वो लोग शादी करा रहे थे तो वही डांस के लिए हम फिर आ गए। आपने नहीं किया? नहीं जी, नहीं। यानी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, घर परिवार की जिम्मेदारी थी। आंखों के सामने तीन बहन गरीबी के कारण दुनिया को अलविदा कह गई और आपने सोचा कि अगर नहीं कमाना है तो मेरी भी। इतनी प्यारी प्यारी थी कि हम देख के हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में वैसी लड़की है ही नहीं। हाँ, इतनी प्यारी जो आपकी सगी बहन। हाँ जी। तो तीनों खत्म हो गए? कुछ भी नहीं है उसके आगे, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तीनों खत्म हो गई? तीनों, तीनों। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहेंगे, समाज में कई तरह के लोग होते हैं और आपकी एक तरफ आपका दर्द जो मैं सुना मेरे आंखों में आंसू आ गया, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका कई तरह की बातचीत करते हैं, समाज में जो लोग हैं वो कई तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? हालांकि वो मेरे वीडियो को देखेंगे ज़रूर, आपकी बातों से सहमत भी होंगे, लेकिन उनसे आप क्या कहना चाहते हैं जो आप लोगों के बारे में कई तरह की बातें करते रहते हैं, कई तरह की चर्चाएँ करते रहते हैं? उनसे हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे, पब्लिक मतलब जितने आती हैं सब लोग अच्छी हैं, बट कोई कोई उसमें बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर जाते हैं जो मतलब दिल पे लग जाता है, जैसे एकदम लगता है कि क्या, फिर सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो क्या बोले। उन लोगों को शायद उसी में खुशी मिलती होगी, इसलिए हम नहीं कुछ बोलते। तो अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा ही रहते हैं हमेशा? अब ठीक है, अब ठीक है। अब तो ठीक, इतना बढ़िया कि आपके हाथ में इतना इतना महंगा मोबाइल है, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये मोबाइल कितना का है? ये दाम पहले बताइए कितना का है। वो तो वो लोग जान ही रहे होंगे जो हमें दे। आप बताइए ना, अपने जबान से बताइए कितना है इसका। 1,10,000। 1,10,000 जी। हाँ, शायद अगर आज के रेट में मेरा घर अपना खुद का है, खुद हमने बनाया है सब कुछ इसी पैसे से, डांस करके। अच्छा, अगर आप अगर उस वक्त अगर शादी कर ली होती तो शायद ये सब चीज़ें तो नहीं कर पाती, कुछ ना बना पाते, और शायद कुछ बना भी ना पाते और जिंदगी लचर पचर हो जाती। हाँ, और मेरे मम्मी पापा भी शायद दुनिया में नहीं होते। तो अभी पापा की स्थिति कैसी है? ठीक है पापा, मतलब डॉक्टर बोला है कि पहला हार्ट अटैक आया था, दूसरा ना आए, बस तो इसी मनाते रहते हैं भगवान से आज। चलिए, शुक्रिया कि आपने बड़ा ही एकदम जज्बे के साथ हर मोड़ पे बेटा की तरह अपने खरा उतरी, और शायद अगर इन चीज़ों को ना कर पाती तो ना आपके हाथ में इतना महंगा मोबाइल होता, ना अपना घर भी होता। हाँ, कुछ सब आज के डेट में आज अपने ही मेरे कहते हैं कि वो ये वही लड़की है जो मतलब हम 1 रुपया सब लोग चाचा वाचा भी देते थे तो वही। हाँ, सब लोग वही लड़की है, सब लोग देखते हैं तो कहते हैं, घर देखते हैं मेरा, आते हैं सब लोग मिलने हमसे। यानी आप सब प्यार भी करते हैं, प्यार की भाषा भी करते हैं सब लोग, प्यार करते हैं। लेकिन पहले वही लोग, लेकिन वही लोग आज के डेट में पूछते भी नहीं थे, और आज के डेट में मिलने के लिए बोलते हैं सब लोग, कहते हैं कि आओ मेरे घर, हम तुम्हारे घर। हाँ, ऐसे अब रहना इसी फील्ड में है। हाँ, अब रहना है इसे, जिंदगी यही बितानी है। जिंदगी बितानी है, शादी वगैरह करके सेटल। शादी नहीं करना है। हाँ, शादी हमें नहीं। सब झूठो बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना। झूठो बोलते हैं। अरे हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलते हम। हाँ, पहली कैसे रह लीजिएगा भी है, और आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हम, करना ही नहीं है। नहीं, शादी इसलिए नहीं करना है कि आप जान रहे होंगे मतलब डांस जो लड़कियां अभी कर ली स्टेज पे परफॉर्म कर ली, तो उसके बाद फिर वो शादीशुदा जिंदगी मतलब बिताएंगी तो, लेकिन उसको रोज टॉर्चर करेगा, रोज बोलेगा। कौन टॉर्चर करेगा? पति उसका, हम देख रहे हैं, मेरे बगल में ही हैं लोग, वो लोगों को देख रहे हैं। तो उसको चाहे नहीं करना? नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसे भी, ऐसे ही। अब आधी बीत गई, आधी बीत जाएगी, कमा कमा के। कमा कमा के।
ऐसे खुश चैन से किसी के मतलब अपने बल पे खा रहे हैं, किसी का नहीं खा रहे हैं, बस इसकी ये बात की हमें खुशी है। हाँ, खुद कमाते हैं, खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, फैसला भी लेने में अवल स्थान पे हैं, कला दिखाते हैं। कोई कोई पब्लिक ऐसी आ जाती है कि मतलब कहती है कितना पैसा लोगी। हाँ, तो हम कहते हैं अगर हमको पैसा ही लेना है तो वहीं ना उतर जाए, क्या जरूरत है हम कमर हिलाए सबके सामने। ये भी लोग बोल देते हैं। हाँ, बोल देते तो हम भी बोल देते हैं कि कमर क्यों हिलाएंगे, यहाँ पे डांस क्यों करेंगे, वही ना करें, वही करके कितना पैसा आ जाएगा, बैठे बैठे घर पे ही कर लेगा इंसान अगर करना चाहेगा तो। बहुत बुरा लगता है, बोल नहीं पाते हैं बस, और कुछ नहीं। एक दर्द भरी कहानी है, एक दर्द भरी पीड़ा है, और इस पीड़े के बीच सपना की ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, परिवार भी है, समाज भी है। शादी करने के लिए बहुत लोग मतलब ऑफ़र देते हैं, हमसे कर लो शादी, ये तुम्हारा काम छुड़वा देंगे, तुम काम छोड़ दो, मत करो, तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता है। अब हम ये नहीं जानते, मान लो हम शादी कर लेंगे और फिर उसके बाद वो कैसा निकलेगा, इस बात की डर लगी रहती है हमेशा। जो शादी के बाद कहीं फिर पति टॉर्चर ना करे, टॉर्चर करे, अब बोले कुछ, कहे कि तुम तो डांस करती थी, तो पब्लिक बोलेगी वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पति का टॉर्चर ना, बस उसका नहीं सह सकते। इसलिए नहीं सह सकते क्योंकि वो सबसे करीब होगा ना, दिल के करीब होगा, तब क्या। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये सपना की ये ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी को कैसे लेकर आगे बढ़ रही है। ठान लिया कि शादी नहीं करनी है, पति का टॉर्चर शादी के बाद तो सहना पड़ता है, क्योंकि हम डांस की दुनिया में एक नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये हालात, ये परिस्थिति एक डांसर की ज़िंदगी की होती है, जिस ज़िंदगी के बारे में कई लोग कई तरह की चर्चाएँ बाज़ार में करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।